ट्रैक्टर रैली में दिल्ली हिंसा के बाद अब किसान आंदोलन का क्या होगा? सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत कब होगी? किसान आंदोलन अब किस राह पर है? गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा के बाद ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत में एक तरफ जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल कुछ उपद्रवियों ने हिंसा फैलानी शुरू कर दी। लेकिन किसी को क्या पता था कि पिछले दो महीनों से जो किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, वह अचानक हिंसक रूप ले लेगा। हद तो तब हो गई जब किसान प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने लाल किले की प्राचीर में पहुंचकर धार्मिक ध्वज फहरा दिया। किसान नेताओं ने इस घटना को शर्मनाक बताया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर एनसीपी नेता शरद पवार तक ने हिंसा को गलत करार दिया। सरकार से अगली बातचीत कब होगी, इस पर भी कुछ साफ नहीं था और मंगलवार की घटना के बाद इस पर असमंजस और बढ़ गया। अब सवाल ये है कि जो किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर पिछले दो महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे थे, अब उनका क्या होगा? किसान यूनियंस का ये कहना है कि उनका अगला प्लान बजट वाले दिन संसद तक मार्च निकालने का है, जिसे फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। हालांकि मंगलवार की हिंसा के बाद अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार शायद ही उदारता दिखाए। किसान यूनियंस को अब तक कई नोटिस मिल चुके हैं और अब उनसे इस बारे में भी पूछताछ की जा सकती है कि आखिर ट्रैक्टर रैली उनके नियंत्रण से बाहर कैसे हो गई। ऑल इंडिया किसान सभा के पी कृष्णा प्रसाद और जय किसान आंदोलन के अविक साहा मानते हैं कि दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली से दूसरे राज्यों से किसानों को प्रोत्साहन मिला है। रोहतक टिकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने वाले प्रसाद ने कहा, इस तरह की घटनाएं आंदोलन को कमजोर नहीं करेंगी, अब यह जन आंदोलन बन चुका है और पूरे देश में फैल चुका है। अब लोग किसान संगठनों के नेतृत्व में नहीं हैं। जब अविक साहा से पूछा गया कि मंगलवार की हिंसा से आंदोलन के उद्देश्य को क्या ठेस पहुंचेगी, इस पर उन्होंने कहा, सिर्फ एक गुट के चलते ऐसा हुआ है और उसी ने इतना उपद्रव मचाया जो कि अस्वीकार है। हम सबकी निंदा करते हैं, हम इसकी समीक्षा करेंगे और सामूहिक फैसला लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसी हफ्ते से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का मुद्दा उठाया जाएगा, जिस पर भारी हंगामा होने के आसार हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।